नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी न सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खासी चर्चाओं में रहती हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी का अंदाज कई बार देखने को मिलता है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा साझा किया है जिसके लिए उनको बधाइयां मिल रही हैं। कहते हैं जब एक बेटी की सगाई होती है, शादी होती है या फिर उसको उसका पार्टनर मिलता है तो सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है, और स्मृति ईरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, उनकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है और इस बात की जानकारी खुद स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। जोइश ईरानी को लेकर स्मृति ने ये खुशखबरी साझा की है। उन्होंने अपने दामाद की और अपनी बेटी की फोटो साझा की है और एक बहुत मजेदार कैप्शन लिखा है। स्मृति ईरानी ने जो फोटो शेयर की है उसमें आप देख सकते हैं कि घुटनों पर बैठकर उनके दामाद उनकी बेटी को प्रपोज कर रहे हैं और दूसरी फोटो में ये दोनों रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रही हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए स्मृति ईरानी लिखती हैं, ये पोस्ट उस शख्स के लिए जिसने हम लोगों का दिल ले लिया है। हमारे पागलों से भरे परिवार में आपका स्वागत है। आपको एक फादर इन लॉ के तौर पर एक क्रेजी शख्स से मुलाकात करनी पड़ेगी। आपको मेरी ओर से ऑफिशियल वार्निंग, गॉड ब्लेस। उसके बाद हैशटैग न्यू बिगनिंग्स का इस्तेमाल किया है स्मृति ईरानी ने। आपको बता दें, स्मृति ईरानी के दामाद यानी कि उनकी बेटी को जो पसंद आए हैं, जिन्होंने उनका दिल जीता है, उनका नाम अर्जुन भल्ला है और ये लव मैरिज बताई जा रही है। काफी वक्त से दोनों दोस्त थे और इस दोस्ती को एक नया नाम देने की कोशिश अब की गई है। बहरहाल जो तस्वीरें स्मृति ईरानी ने साझा की हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और स्मृति ईरानी ने जिस अंदाज में अपने दामाद का स्वागत किया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।